In this video, we will cover two topics, still life and fruit drawing. So at first, we will draw one apple with help of circle and curves. At first, we will draw with pencil. ये पेंसिल से पूरा आउटलाइन रेडी हो गया है. नाउ वन सर्कल, स्मॉल सर्कल, देन कर्व एंड ये हमारा हो गया सेकेंड फ्रूट, पियर मीन्स नाशपति. दोनों को हमने पेंसिल से यहाँ पे आउटलाइन ड्रॉ कर दिया है. नाउ वी विल कलर इट with help of yellow color. This is first yellow color, then orange color, और यहाँ पर हम इसे with help of cotton or cloth इसे हमने थोड़ा यहाँ पर color को अच्छे से mix कर लिया है, smudge कर लिया है. यहाँ पर अब red color से हम strokes दे रहे हैं. यहाँ पर हम जितना ज़्यादा डिटेलिंग करेंगे उतना ज़्यादा रियलिस्टिक हमारा बनेगा, लेकिन हम वीडियो में इतना ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते, एक लिमिटेड टाइम में हमें वीडियो फिनिश करना है. तो हम जितना बेटर हो सकता है उतना यहाँ पर इसे करने की कोशिश कर रहे हैं. स्टिल लाइफ में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट हमारे सामने रखा हुआ है लाइव, हम उसे कॉपी करते हैं, तो उसे एज इट इज़ कॉपी करते हैं. जो एग्जैक्ट जो सामने कलर्स हैं, उसका कलर टोन है, उसमें लाइट के जो शेड्स हैं, उसकी शेडो है, सब कुछ हम ऑब्जर्व करते हैं और उसे ड्रॉ करते हैं. तो अभी हम स्टिल लाइफ में दो फ्रूट्स यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं. एप्पल में हमने येलो कलर से बेस कलर दिया है, उसके बाद ऑरेंज कलर से थोड़े शेड्स, देन रेड कलर. उस सभी कलर को प्रॉपर मर्ज करके प्रॉपर कॉम्बिनेशन में हमने इसमें लाइट टोन, मिडिल टोन और डार्क टोन दिया है, जिससे हमारा यहाँ पर ये एप्पल रेडी हो गया है. अभी ये जितनी ज़्यादा हम इसमें शेड्स देंगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा और रियलिस्टिक बन जाएगा. अब हम यहाँ पर ये नाशपति में कलर कर लेते हैं. तो सबसे पहले हमने ये डार्क ग्रीन कलर करा, देन ये लाइट ग्रीन. यहाँ पे भी क्या करना है, हम जो कलर्स जो भी कर रहे हैं इन सबको अच्छे से प्रॉपर स्मज करेंगे, मर्ज करेंगे. ये येलो कलर कर दिया है. जितने शेड्स होते हैं वो सब शेड्स हमें करके यहाँ पर इसको क्लॉथ से अच्छे से मर्ज कर लिया है. तो यहाँ पे क्या हो गया, हाईलाइट हो गया है बीच में, लाइट टोन हो गया है, थोड़ा सा मिडिल टोन हो गया और डार्क टोन भी हो गया है. अब थोड़ा सा हम इसमें इसको फिनिश कर देते हैं, डिटेलिंग जो होता है वो डिटेलिंग वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं. इसमें भी जितना ज़्यादा हम डिटेलिंग करेंगे उतना ज़्यादा ये अच्छा लगेगा. तो आपको क्या करना है, इसे कॉपी करना है, साथ साथ में घर में जो भी लाइव ऑब्जेक्ट है उसको सामने रख के उसे आप कॉपी करना है, उसमें लाइट टोन और उसका जो शेडो वाला पार्ट है वो भी पूरा कॉपी करना है. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका ड्राइंग इम्प्रूव होगा. तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, इस वीडियो को अच्छे से देखिए. और यहाँ पर हमने दो फ्रूट बनाए, आप इसके अलावा और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं वो ले सकते हैं, और घर के ऑब्जेक्ट्स भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं. सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.